मकसद कॉलोनी के इलाके में लाल गोदाम वाला ट्रांसफार्मर 7 रोज से खराब था, जो कि हक परस्त MNA वसीम हुसैन, MP राशिद खान, यूनिट इंचार्ज मुनव्वर अली सिद्दीकी, सलाहुद्दीन मोहम्मद फैसल व दीगर की काविशों से फिर से लगवा दिया गया ट्रांसफार्मर लगवाने की खुशी में, जिसके बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने MQM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इलाके के आवाम का कहना था कि हक परस्त MNA वसीम हुसैन, MP राशिद खान, यूनिट इंचार्ज मुनव्वर अली सिद्दीकी व दीगर ने बगैर पैसे दिए हमारे मसले को फौरी हल करवाया और नया ट्रांसफार्मर लगवाया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर MQM के दीगर रहनुमाओं और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम जितने भी ट्रांसफार्मर लगवाए वो बगैर पैसों के लगवाए, बगैर चंदे के लगवाए। बापों के नाम के ऊपर चंदा होता है वो सियासत हम खत्म कर चुके हैं और MQM पाकिस्तान का ये तैयार करता हुआ एक किरदार है कि हम बगैर पैसों के लगवाएंगे। दूसरी बात, ये तमाम इलाके वाले 7 दिन से बहुत परेशान थे। MQM पाकिस्तान में वसीम हुसैन भाई ने, राशिद खान भाई ने, जफर भाई ने, सब ने, हम सब ने मिलकर अपनी काबिशों से मिलकर ये काम करवा दिया कि आज देखें सारे लोग खुश हैं, इतनी आवाम यहाँ पर खड़ी है। बच्चों ने इनके घरों में पानी नहीं था, बड़े मामला थे। ये देख सकते हैं, अभी भी मेरे सेक्टर इंचार्ज का फोन आ रहा है और मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ ये हो गया।